मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के दिन घोषणा की थी कि फैजाबाद जिला अब से अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर स्थित इस तीर्थ नगरी में कहा था, अयोध्या हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। कल हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने लिए ये 5 बड़े फैसले। नंबर 1, इलाहाबाद व फैजाबाद मंडल का नाम बदला। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज व फैजाबाद मंडल का नाम अयोध्या हुआ। इसी तरह फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या हुआ। नंबर 2, वित्त विहीन स्कूलों के अध्यापकों को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार दिया जाएगा। 18 मंडलों से एक एक शिक्षकों को 25,000 पुरस्कार 25 दिसंबर को अटल जयंती पर दिया जाएगा। नंबर 3, वाराणसी के राजघाट पुल पर हुए हादसे में 25 मौत होने के मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने को अनुमोदन दिया गया। नंबर 4, 15 वर्ष की नियमित सेवा शिक्षक के लिए और 20 वर्ष की नियमित सेवा प्रधानाचार्य के लिए अनिवार्य कर दी गई है। नंबर 5, इसके साथ ही बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज जो तैयार हैं वो सोसाइटी मोड में चलेंगे। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।